वेलकम एवरीवन। आज मैं एक नया विषय आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, फ्यूचरिस्टिक साइकोलॉजी। एजुकेशन में सारे विषय मुझे पसंद हैं, पर एजुकेशनल साइकोलॉजी से एक विशेष लगाव है मुझे। बहुत अच्छा लगता है मुझे एजुकेशनल साइकोलॉजी, और उसके सब्जेक्ट्स, उसके टॉपिक्स, उसके सब थीम्स भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। उसमें से फ्यूचरिस्टिक साइकोलॉजी एक नया टर्म मिला, जैसे कि जिससे ये पता चल सके कि साइकोलॉजी का फ्यूचर क्या है, क्या कुछ नई डिस्कवरी हो रही है। और हम लोग बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ डिसाइपल, बीइंग अ टीचर ऑफ एजुकेशन डिसिप्लिन, हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को एजुकेशन में अप्लाई करके उसकी टीचिंग लर्निंग, अपने क्लासरूम टीचिंग लर्निंग को बेहतर कर लेते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी किस तरह से प्रभावित हो रही है, जो कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर भविष्य में जो आ रही है साइकोलॉजी, जो कुछ नई खोजें हो रही हैं साइकोलॉजी के क्षेत्र में, उससे हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगेगा, रोमांचित होंगे आप भी मेरी तरह जब मैंने ये सब कुछ नया जाना था। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डायमेंशंस ऑफ फ्यूचरिस्टिक साइकोलॉजी, कौन से डायमेंशंस मैंने लिए। इससे भी बहुत ज्यादा हो सकते थे, लेकिन मुझे जो लगा कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में, और जो एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी जो हमको फायदेमंद हो सकते हैं, वही टॉपिक मैंने लिए। और भी बहुत है, इसका कोई अंत नहीं है, रोज नित नई रिसर्चेस हो रही है ना, काम लगातार जारी है। तो कौन से डायमेंशंस मैंने लिए हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी, साइंस ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग, पर्सनैलिटी न्यूरो साइंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, न्यूरो साइंस ऑफ क्रिएटिविटी, सॉरी, एंड एडवांसमेंट्स इन मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव। उसमें से देखिए, जब मैंने मेंटल हेल्थ पर एक बार वीडियो बनाया था, तो कुछ चीजें मैंने उसमें से टच की थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात उसकी और करेंगे। तो सबसे पहले बात करें पॉजिटिव साइकोलॉजी की। जब मैंने पहली बार पॉजिटिव साइकोलॉजी को जाना था, तभी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था ये शब्द, और मैं चाह रही थी कि इसके बारे में और जानूं। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है, मार्टिन सेलिगमैन इसके फाउंडर कहे जाते हैं, और उन्होंने एक पेपर लिखा, यू कैन से, क्या, ऑथेंटिक हैप्पीनेस थियरी, द लाइफ ऑफ प्लेजर। इसमें SWB क्या है, SWB क्या है, साइंस ऑफ, साइंस नहीं, सब्जेक्टिव वेलबींग। ये क्या कह रहे हैं, सॉरी, फॉल्स अंडर वन ऑफ द थ्री बेसिक ओरिएंटेशंस दैट फैसिलिटेट वेलबींग। सेलिगमैन एंड रॉय, मैंने 2003 में, देखिए सब रिसर्चेस जो हैं वो रीसेंट हैं, तो सेलिगमैन और रॉयमैन क्या कह रहे हैं कि जो सब्जेक्टिव वेलबींग है वो तीन बेसिक ओरिएंटेशंस के तहत आता है। वेलबींग की तीन बेसिक ओरिएंटेशंस, वेलबींग माने, मैंने जब आपको मेंटल हेल्थ बताया था तभी मैंने बताया था, वेलबींग मतलब कि हम सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जब पूछा जाता है ना खैरियत से है सब कुछ, वो वेलबींग। तो उसमें सब्जेक्टिव वेलबींग कहां आता है, देखिए तीन तरीके के जीवन की बात की जा रही है, प्लीजेंट लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ एंड इंगेज्ड लाइफ। तो प्लीजेंट लाइफ की जब हम बात करते हैं, वहां पे ओरिएंटेशन क्या है, हिडोनिक ओरिएंटेशन। हिडोनिक का आप मीनिंग सर्च करेंगे तो आपको सुखवादी या इस तरीके का मिलेगा। और कंसर्न विद पॉजिटिव इफेक्टिव एक्सपीरियंसेस, यानी कि हमारे जिंदगी में जो हमको अनुभव मिल रहे हैं, जो अफेक्शन है, जो फीलिंग्स, जो इमोशनल जो उसका कॉम्पोनेंट है, उसको हम पॉजिटिवली अगर डील करते हैं, पॉजिटिवली फील करते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, प्लीजेंट लाइफ और हीरोनिक ओरिएंटेशन। फिर मीनिंगफुल लाइफ क्या है, यूडेमोनिक ओरिएंटेशन, और ये किस पे फोकस करता है, वर्किंग टुवर्ड अ हायर पर्पस, मतलब मीनिंगफुल लाइफ, अर्थपूर्ण जीवन, कुछ हमारा उच्च उद्देश्य होना चाहिए और ऐसी बातें। देन द इंगेज्ड लाइफ, और ये क्या है, इट इज साइकोलॉजिकल वेलबींग ओरिएंटेशन। यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए था। तो यानी कि साइकोलॉजिकल वेलबींग, सब्जेक्टिव वेलबींग, आपका हायर पर्पस के हिसाब से वेलबींग। तो मार्टिन सेलिगमैन जो हैं वो पॉजिटिव साइकोलॉजी के जनक कहे गए, और पॉजिटिव साइकोलॉजी का भी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगी, तो आपको लगेगा कितनी सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव साइकोलॉजी कवर करता है। ये देखिए क्या क्या है, साइकोलॉजिकल वेलबींग, मैंने बात की आपसे, पॉजिटिव थेरेपी, कोचिंग, अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी, पॉजिटिव एजुकेशन, पॉजिटिव बिजनेस, साइकोलॉजी ऑफ टाइम, पॉजिटिव कोपिंग, क्रिएटिविटी, स्ट्रेंथ्स, वर्च्यूज, इमोशन, पॉजिटिव इमोशंस, यानी कि एवरीथिंग, जो कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ स्पेस में, उस सबको हमको पॉजिटिविटी को लेना है। तो एक वीडियो इस पे भी बन सकता है, मतलब एक टॉपिक, एक बात करने का मुद्दा ये भी हो सकता है कि हम क्लिनिकल साइकोलॉजी और पॉजिटिव साइकोलॉजी का कंपैरिजन कर लें। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजी, वो क्या कहती है कि स्ट्रेस, एंगर, कॉन्फ्लिक्ट,
डिप्रेशन इसकी बात करती, पॉजिटिव साइकोलॉजी उसकी बात नहीं कर रही, वो कह रही है कि ठीक है स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, एंगर है, कॉन्फ्लिक्ट है, पर उसमें से भी आपको पॉजिटिविटी ढूंढिए, स्ट्रेंथ ढूंढिए, वर्च्यूज ढूंढिए, होप ढूंढिए, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी एक नया कंसेप्ट उभर कर साइकोलॉजी में मिल रहा है और उसको हम अपने एजुकेशन में अप्लाई करके और अपने स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचा सकते हैं। फिर सब्जेक्टिव वेलबींग, देखिए सब्जेक्टिव वेलबींग और पॉजिटिव साइकोलॉजी दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं। इसके बारे में किसने बात की ये पहले पता करना होता है ना, कि सबसे पहले किसने बात की सब्जेक्टिव वेलबींग के बारे में, तो प्रोफेसर एड डाइनर कॉइनिंग दिस कंस्ट्रक्ट, इन्होंने ये कंस्ट्रक्ट कॉइन किया कब, 1984 में, मतलब इट इज नॉट मतलब सो अर्ली इन द टर्म्स ऑफ लिटरेचर। सेमिनल आर्टिकल इन्होंने टाइटल इंटाइटल सब्जेक्टिव वेलबींग, मतलब इसी नाम से इन्होंने आर्टिकल लिखा 1984 में सब्जेक्टिव वेलबींग के नाम से। और सब्जेक्टिव वेलबींग का क्या मतलब है, देखिए वेलबींग खैरियत, सब्जेक्टिव वेलबींग यानी कि सब्जेक्ट जो है यानी कि हम और आप अपनी लाइफ को क्या मायने देते हैं, क्या हम कि अरे सब कुछ बुरा चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, या ठीक है जो हो रहा है बेहतर है, पहले से बेहतर है या और बेहतर होगा आगे, यानी कि हमको पॉजिटिविटी उसमें ढूंढनी है, तो अपने आप देखने सोचने का नजरिया बदल जाएगा और सब कुछ सुधर सकता है, मतलब बहुत कुछ सुधर सकता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इट डिस्क्राइब्स हाउ पीपल एक्सपीरियंस द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट को करना, ऑब्जेक्टिव वेलबींग नहीं है, सब्जेक्टिव है, यानी कि सब्जेक्ट डिफाइन करेगा कि उसकी लाइफ की क्या वर्थ है। And includes both emotional reactions and cognitive judgments. यानी कि इसमें emotional reactions भी आएंगे, cognitive judgment भी आएगा। फिर इसको define कैसे करेंगे? As a person's cognitive and effective evaluations of his or her own life. यानी कि इसको परिभाषित किया जाएगा कि व्यक्ति अपने संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से अपना क्या मूल्यांकन करता है। फिर the cognitive sorry The cognitive element refers to what one thinks about his or her life satisfaction in global terms. Global का यहाँ मतलब holistic perspective से है। तो जो cognitive element है उसमें क्या आता है कि क्या हम अपने जीवन के बारे में holistically पूरा totality में क्या मिलाकर अपने बारे में सोचते हैं अपने जीवन के बारे में। और effective element में क्या आएगा, जैसे कि नाम से स्पष्ट है affection है, तो क्या आएगा emotions, moods, feelings। फिर अगर हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो सब्जेक्टिव वेलबींग में आते हैं कंटेक्चुअल फैक्टर्स, कॉग्निटिव फैक्टर्स एंड इफेक्टिव फैक्टर्स। तो कॉग्निशन में बता दिया गया क्या है कि थिंकिंग होलिस्टिकली, थिंकिंग ग्लोबली अबाउट वन सेल्फ, एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स में क्या आएगा लाइफ इवेंट्स, सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स, और इफेक्टिव फैक्टर्स में क्या आ जाएगा पॉजिटिव स्टेट रेट इफेक्ट, नेगेटिव स्टेट रेट इफेक्ट, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड ऑल। तो ये सब मिलाकर हो जाता है क्या सब्जेक्टिव वेलबींग, यानी कि ग्लोबल सेटिस्फेक्शन, यानी कि टोटैलिटी में सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, पॉजिटिव स्टेट ऑफ लाइफ, सेटिस्फेक्शन विद लाइफ, ये सारे टर्म्स भी इसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। सब्जेक्टिव वेलबींग के लिए ही ग्लोबल सेटिस्फेक्शन या सेटिस्फेक्शन विद लाइफ जैसे टर्म्स भी, कंसेप्ट्स भी, कंस्ट्रक्ट्स भी यूज किए जाते हैं। फिर न्यूरोसाइंस, ये भी देखिए नया कंसेप्ट उभर के आ रहा है। न्यूरोसाइंस तो जो है सो है ही, लेकिन न्यूरोसाइंस तो के यू कैन से जो फाइंडिंग्स हैं उसको हम साइकोलॉजी में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और फिर उसकी सहायता से हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हम बीइंग एजुकेटर हमको हर चीज को एजुकेशन से जोड़कर चलना है। तो नई जो चीजें निकल के आ रही हैं, जो नए सिद्धांत हैं, जो नए थेरीज हैं, जो नई बातें हैं, उनसे हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को बेहतर पढ़ा सकते हैं, कैसे अपने क्लासरूम टीचिंग लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम अपने स्टूडेंट्स को बेहतर समझ सकते हैं। जब हम उनको बेहतर समझेंगे तभी क्यों, क्योंकि अब तो इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान रखना है, क्या कहते हैं टेलर मेड इंस्ट्रक्शन उनको देना है, तो हमको तभी हम कर पाएंगे ना जब हम समझेंगे सामने वाले को। तो न्यूरोसाइंस के बारे में देखते हैं क्या है ये। इन साइकोलॉजी वी डील विद लर्निंग, है ना, हमको अधिगम से मतलब है, हमको ये मतलब है कि बच्चा कैसे सीखता है, एंड लर्निंग इज रिलेटेड विद न्यूरोसाइंस। क्यों, क्योंकि सारा कुछ आपके ब्रेन में चल रहा है, बिकॉज इट डील्स विद द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन। न्यूरोसाइंस से क्यों लर्निंग रिलेटेड है, क्योंकि जो कि हमारा नर्वस सिस्टम है और ब्रेन है वही सब ये डील कर रहा है, सारा स्ट्रक्चर उसका और फंक्शन, फंक्शनैलिटी। देन सॉरी हाँ, फिर इट फोकसेस ऑन द ब्रेन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर एंड कॉग्निटिव फंक्शंस। कौन, न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस किस पर फोकस करता है, ब्रेन पर फोकस करता है, और उसका इम्पैक्ट यानी ब्रेन का इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर पे क्या है, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस पे क्या है, क्या
जो इंडिविजुअल डिफरेंस स्टूडेंट्स के बीच में है उसमें ब्रेन कितना रोल प्ले कर रहा है या हमारे बिहेवियर को ब्रेन कितना कंट्रोल कर रहा है, ये सारी चीज़ें एकदम नई है और एकदम एकदम ऐसी ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं जिसके बारे में पहले आदमी बिल्कुल अनजान था। और जितना ज़्यादा हम जानेंगे उतना ज़्यादा हम बढ़िया कर सकते हैं अपना स्टाइल पढ़ाने का, स्टूडेंट का, करिकुलम, सारी चीज़ें। इट इज़ एन इंटर डिसिप्लिनरी साइंस, जो न्यूरो साइंस है वो एक इंटर डिसिप्लिनरी साइंस है और बहुत सारे साइंस को अपने में समाहित किए हुए हैं, एज वाइड एज वेरीड एज कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी, जिसका आपस में कोई तालमेल नहीं है, वो सब आकर एक दूसरे से जुड़ गए हैं। इसमें फिलोसफी आता है, इसमें मैथमेटिक्स आता है, इसमें कंप्यूटर साइंस आता है, इसमें साइकोलॉजी आता है, इसमें बायोलॉजी आता है, फिजियोलॉजी आता है, फार्मेकोलॉजी आता है, बहुत सारे डिसिप्लिन आते हैं। फिर अगर हम ये जानना चाहें कि सबसे पहले किसने बात की न्यूरोसाइंस के बारे में, तो शेरिंगटन थे वो, जो कि ओरिजिनल पायनियर न्यूरोसाइंस के कहे जाते हैं और इन्होंने ही सिनेप्स का टर्म कॉइन किया। जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं ये सब डेंड्राइट्स, गैंग्लियन, नेसल बेसल गैंग्लियन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसमें ये न्यूरोन की जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये सब पढ़ते हैं वहां पर। फिर तो न्यूरोसाइंस तो था ही, अब आ गया है पर्सनैलिटी न्यूरोसाइंस। देखिए कितना रोचक है, कितना इसके नाम में ही आपको अपील करेगा ये। क्यों? क्योंकि क्या अब पर्सनैलिटी न्यूरोसाइंस क्या है कि क्या न्यूरोसाइंस हमको बता सकता है कि हमारी पर्सनैलिटी इस तरह की क्यों है, क्यों क्या हमारी पर्सनैलिटी ब्रेन से गवर्न हो रही है? क्यों? क्योंकि आप देखिए जब पर्सनैलिटी पढ़ते हैं, आप जब भी नेचर नर्चर का विवाद क्या है कि जीन से गवर्न हो रही है कि एनवायरमेंट से गवर्न हो रही है, फिर हम एट लास्ट उसको सम अप करते हैं कि ठीक है जीन से भी है और एनवायरमेंट से भी है। तो जो क्या ये जो स्ट्रक्चर है ब्रेन का, ये जो पर्सनालिटी को गवर्न करना है, ये हेरिडिटी है क्या है, माता पिता से मिला है हमको या हमको वातावरण से मिला है, मतलब ये इट्स टोटली अमेजिंग साइंस एंड टोटली अमेजिंग फाइंडिंग्स टू। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं कि पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्रेन। हम दूसरी पर्सनालिटी के और आप दूसरी पर्सनालिटी के इसलिए हैं क्योंकि हमारा और आपके मस्तिष्क में विभिन्नता है। देन इट इज अ न्यू फील्ड ऑफ स्टडी विद इन द कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव न्यूरोसाइंस एंड यूटिलाइजेस बोथ ऑफ दीज, यानी कि कॉग्निटिव और इफेक्टिव दोनों ही न्यूरोसाइंस को इसने रिलेट कर रखा है, यूटिलाइज कर रखा है और क्या किया है, टू रिलेट ब्रेन प्रोसेसेस टू पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हमारे मस्तिष्क में वो क्रियाएं चल रही हैं जो कि हमारे व्यक्तित्व की विशेषताओं को गवर्न करती हैं। देन इट स्टडीज द बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी, यानी हमने बताया ना कि बायोलॉजिकल फाउंडेशन क्या है पर्सनैलिटी का, इसका अध्ययन किया जाता है एंड टू डिराइव एक्सप्लेनेटरी मॉडल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज, यानी कि पहले हमको साइकोलॉजी ने ये बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंस लाई करता है, यही बड़ी बात थी, और अब हमको वो ये बताने जा रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों है, कौन उसके पीछे जिम्मेदार है, कैसे आप उसको बेहतर कर सकते हैं। देन रेगुलैरिटीज इन द बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट कॉन्स्टिट्यूट पर्सनैलिटी, यानी कि हमारे जो व्यवहार है, जो हमारा अनुभव है जिसने हमारी पर्सनैलिटी का गठन किया है, वो किससे एसोसिएटेड है, रेगुलैरिटीज इन द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, यानी हमारा मस्तिष्क के जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं उससे एसोसिएट कर रहा है एंड मेकिंग पर्सनैलिटी न्यूरोसाइंस पॉसिबल, मतलब ये जो फंडामेंटल थीम है इसी ने इस विज्ञान को संभव बनाया है, किस ज्ञान को, पर्सनालिटी न्यूरोसाइंस को। देन कौन है जिसने पर्सनालिटी न्यूरोसाइंस के बारे में सबसे पहले बात की, आइजेंग। देखिए हम और आप आइजेंग पहले भी पढ़ते हैं, हम जब आइजेंग की थ्योरी पढ़ते हैं, जब वो बताता है कौन सा एक्स्ट्रावर्जन न्यूरोटिसिज्म एंड साइकोटिसिज्म, जहां पे कि वो बताता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना रोल प्ले कर रहा है न्यूरोटिसिज्म में, एक्स्ट्रोवर्ट है कि इंट्रोवर्ट है, आपकी स्टेबल पर्सनैलिटी है या अनस्टेबल है, तो ये सारे के पीछे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट प्ले कर रहा है, यहीं से शुरुआत हो जा रही है पर्सनैलिटी न्यूरो science ki, okay? So he was considered, he can be considered as father of modern personality neuroscience. Then Eysenck relied heavily, kis par ye sabse jyada nirbhar the, on the functions of the brain central nervous system, ki hamara jo central nervous system hai wo kis prakar kaarya karta hai, and it clarifies, matlab personality neuroscience clarifies the biological correlates of the hierarchy of personality traits, hai na, यानी कि ब्रेन ने पर्सनालिटी को गवर्न किया और क्या वो फंक्शनिंग हमको अगली जनरेशन में भी मिल रही है, तो ये सारी बहुत ही अच्छी नई रोचक रहस्यमयी बातें हैं जो कि हमको विज्ञान सब रहस्य खोल रहा है। देन एक टॉपिक जो मुझे बहुत पसंद है, इमोशनल इंटेलिजेंस, और ये
ये ऐसा है जैसे एक बार पढ़ो तो जैसे लगता है कि सब समझ में आ गया, लेकिन फिर इसको रिकॉल करो तो अक्सर ये साथ छोड़ देता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, लेकिन ये टॉपिक मुझे पसंद बहुत है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इतना हम सब लोग जानते हैं, बीए एडमिट में भी आता है ये कोर्स में, और बहुत पॉपुलर है और बहुत सवाल भी पूछे जाते हैं इस पे, कि फर्स्ट अपीयर्ड इन द कंसेप्ट ऑफ। देखिए, सबसे पहले थॉर्नडाइक साहब बात कर रहे थे इमोशनल इंटेलिजेंस की। कब, किसके टर्म में? सोशल इंटेलिजेंस के टर्म में, जब वो बताते हैं कि इंटेलिजेंस तीन प्रकार की है, सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और मैकेनिकल इंटेलिजेंस, तब ये सोशल इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है सोशल इंटेलिजेंस में? दूसरे लोगों से डील करना है, हमको सोशली एक्सेप्टेबल बनना है, सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करना है, इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। तो सबसे पहले 101 साल पहले थॉर्नडाइक महोदय सोशल इंटेलिजेंस के रूप में इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर चुके हैं। फिर किसने की? एंड लेटर फ्रॉम द साइकोलॉजिस्ट हॉवर्ड गार्डनर। देखिए, जब हॉवर्ड गार्डनर किसकी बात करते हैं, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, जो उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, उसमें जब वो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो वो किसकी बात कर रहे हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस की। इंट्रापर्सनल, कि हम अपने इमोशंस को समझें, अपने आप को समझें, उसका रेगुलेशन करें, और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि जब हम सोसाइटी में सबको समझें, एक दूसरे को समझें, तो वो बात किसकी कर रहे हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस की ही बात कर रहे हैं। तो वो दोनों लोग तो कर ही चुके हैं। फिर ने इसका नाम लेकर इसकी बात की है, वो है द फर्स्ट एकेडमिक आर्टिकल ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस अपीयर्ड इन 1990, जिसको पीटर सेलोवे ने जिसको लिखा था। लेकिन ये टॉपिक तब उतना पॉपुलराइज नहीं हुआ, पॉपुलराइज कराने का श्रेय जाता है डेनियल गोलमैन को। डेनियल गोलमैन साहब अभी भी इस पर काम कर रहे हैं। तो डेनियल गोलमैन्स की 1995 में जो बुक आई है इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, ये आई और ये बुक बेस्ट सेलर बन गई और बहुत लोगों ने इसको पढ़ा और फिर जाना। क्योंकि इसके पहले माना जाता था कि अगर आप एकेडमिक इंटेलिजेंस है आपके पास, आईक्यू आप रखते हैं, तब आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, वही आपकी सक्सेस के लिए जिम्मेदार है। लेकिन तब ये पाया गया अचानक से कि नहीं, अचानक से नहीं मतलब क्रमबद्ध तरीके से ये पाया गया कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये कैसे आईक्यू से ज्यादा मैटर कर सकती है। तो फिर ये बहुत लोग इसके बारे में कौतूहल पूर्वक जानने के लिए उत्सुक हो गए कि क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, सिर्फ आईक्यू से काम नहीं चलेगा, जब आईक्यू में ईक्यू मिल जाएगा तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और अब तो रिसर्चर्स ये बताती हैं कि आईक्यू बहुत कम है, 20% है सिर्फ, अगर हम बात करें प्रतिशत में, और 80% ईक्यू है तब हम सक्सेस की बात कर सकते हैं। इसलिए ईक्यू इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन आईक्यू। फिर जब आप थ्योरी पढ़ते हैं, जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, तो कहीं आपको इमोशनल कॉम्पिटेंस मिलता है, कहीं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस मिलता है, या इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल कॉम्पिटेंस भी होता है आपके सिलेबस वगैरह में। तो क्या डिफरेंसेज हैं दोनों में? वेयर एज ई आई इज वन आस्पेक्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी, जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये हमारे मानसिक योग्यता की एक एबिलिटी है, जबकि ईसी क्या है? लेवल ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ वन आस्पेक्ट ऑफ ईआई, यानी कि ईआई के कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें से एक एस्पेक्ट में अगर हमको एक्सपर्टीज है तो हम कह सकते हैं कि हम इमोशनली कॉम्पिटेंट हैं, यानी कि ईआई ऊपर लेवल पे इमोशनल कॉम्पिटेंस उससे वन स्टेप और डीपर है। देन ईआई क्या है? इट इंक्लोजेस अ वाइडर रेंज ऑफ मेंटल एबिलिटीज, वेयर एज ईसी कंसंट्रेट्स ऑन द डिग्री ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इन अपीयरेंस, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस तो कई तरीके की मेंटल एबिलिटीज को डील करता है, लेकिन इमोशनल कॉम्पिटेंस सॉरी सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा है किसकी? सेल्फ रेगुलेशन और अवेयरनेस की। फिर ई आई लेड स्ट्रेस ऑन कंट्रोलिंग वंस इमोशंस, वेयर एज ईसी इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इमोशंस प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली, यानी ई आई जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो क्या करता है कि हमको अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना है, इसकी बात करता है, जबकि ई सी किसकी बात करता है? इमोशंस को प्रॉपरली और इफेक्टिवली एक्सप्रेस करना है, इसकी बात करता है। उस तो अगर देखा जाए तो दोनों में कॉमन टर्म क्या है? सेल्फ अवेयरनेस दोनों में कॉमन टर्म है, और इमोशनल कॉम्पिटेंस इज गेनिंग मोर अटेंशन एंड हैज बीन साइंड एज अ स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर ऑफ लाइफ सक्सेस, और ये मान लिया गया है कि नहीं, आपको अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो इमोशनल कॉम्पिटेंस आपके पास होनी ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है, यानी कि प्रिडिक्शन इसके सहारे दिया जा सकता है। फिर अब इमोशन कोचिंग की भी बात हो रही है। देखिए, नॉर्मल कोचिंग की हम लोग इतने दिनों से बात करते आ रहे हैं, इमोशन की भी कोचिंग दी जा सकती है। डॉक्टर जॉन गॉटमैन का ये कंसेप्ट है। सबसे पहले क्या है? बी अवेयर ऑफ योर चाइल्ड्स इमोशंस। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए हमारा बच्चा किस, हमारा बच्चा यानी हमारा स्टूडेंट हो सकता है, हमारा बच्चा हो सकता है, किस इमोशन से गुजर रहा है, पहले आप उसकी जानकारी रखें। देन रिकॉग्नाइज इमोशन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर कनेक्शन और टीचिंग, थोड़ा ब्लर दिख रहा है, फॉर कनेक्शन और टीचिंग, मतलब कि हमको इमोशन को
रिकॉग्नाइज करें और उसको एक अपॉर्चुनिटी माने, अवसर माने कि हम उसको शिक्षण से जोड़ के चल सकते हैं. देन हेल्प योर चाइल्ड वर्बली लेबल इमोशंस. हमको अपने स्टूडेंट को, अपने चाइल्ड को इतना निर्भर बनाना है, इतना समझदार बनाना है, उसको इतनी ट्रेनिंग दे देनी है कि वो अपने इमोशन को नाम दे सके कि हाँ हम नाराज हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या है, हमारे अंदर गलत बात आ गई है, हम गलत सोचने लगे हैं या हम अच्छा सोच रहे हैं, उसको लेबल दे सकें. जब तक हम लेबलिंग ही सही नहीं करेंगे तो उसका क्योर नहीं हो सकता है, उसका निदान नहीं हो सकता है. देन कम्युनिकेट इम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग. हमको इम्पैथिकली और अंडरस्टैंडिंग के संग कम्युनिकेशन करना है. और लास्ट में सेट लिमिट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि इन 5 स्टेप्स को अगर फॉलो आप करते हैं तो इमोशन कोचिंग अपने स्टूडेंट्स को, अपने चिल्ड्रेन को प्रोवाइड कर सकते हैं. देन न्यूरोसाइंस ऑफ क्रिएटिविटी. जैसे पर्सनैलिटी न्यूरोसाइंस है, यानी कि हमको न्यूरोसाइंस बताता है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा हमारी पर्सनैलिटी को गवर्न करता है, उसी प्रकार से हमको वो ये भी बता सकता है कि कौन सा हिस्सा है जो क्रिएटिविटी को गवर्न करना है, या जो अगर बेहतर है तो आप ज़्यादा क्रिएटिव हैं, या अगर किसी एक्सीडेंट वगैरह में उसको नुकसान हो गया तो आपकी क्रिएटिविटी चली जाती रही. तो सबसे पहले तो क्रिएटिविटी, या तो हम सिर्फ इतना जानेंगे यहाँ पे कि क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है, और थिंकिंग प्रोसेस कहाँ चलेगी, ब्रेन में. तो न्यूरोसाइंस इज करेंटली एक्सप्लोरिंग व्हाट इट इज दैट कैरेक्टराइजेस क्रिएटिव माइंड्स. मतलब वो ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं जो न्यूरोसाइंटिस्ट हैं हमारे, कि कौन सी वो विशेषता है जो क्रिएटिव माइंड की होती है, यानी कि सृजनशील मस्तिष्क में क्या खास बात है. देन रिसर्चर्स एट हार्वर्ड रिसेंटली आइडेंटिफाइड अ पैटर्न ऑफ ब्रेन कनेक्टिविटी दैट इज एसोसिएटेड विद आइडिया जनरेशन. यानी कि अब ये खोजा जा चुका है, एक पैटर्न खोजा जा चुका है कि ब्रेन कनेक्टिविटी जब कैसा होता है, जब हम कोई आइडिया हमारे दिमाग में जनरेट होता है ना, क्योंकि जितने भी MRI और स्कैन वगैरह आ गए वो लाइव ब्रेन को स्टडी कर पा रहे हैं, इसलिए ये सारा एडवांसमेंट्स पॉसिबल हो पाया है. देन इट हैज बीन रिसर्च आउट, और ये खोज लिया गया है कि फ्रंटल लोब, ये आपका जो हिस्सा दिख रहा है, व्हाइट मैटर और हिप्पोकैम्पस, ये 3 जो हैं वो क्रिएटिव थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग के से रिलेट करते हैं. देन अगर हम मेंटल हेल्थ की एडवांसमेंट्स की बात करें तो पाइनियर्स कौन कौन हुए मेंटल हेल्थ के, पहले ये जान लें. तो इमिल क्रैपलिन साहब हुए, जो कि जर्मन साइकियट्रिस्ट थे, और ये वाइडली कंसिडर्ड, मतलब मोर और लेस इनको माना जाता है कि ये मॉडर्न साइकियट्री के जनक हैं. फिर यूगेन ब्लूलर साहब आए, और ये स्विस साइकियट्रिस्ट थे, और इन्होंने कौन सा टर्म दिया है, शाइजोफ्रेनिया का टर्म दिया वर्ड को, है ना, हम सब लोग शाइजोफ्रेनिया के बारे में जानते हैं, नाम सुना है हमने एटलीस्ट. और एरॉन बेक जो एक अमेरिकन साइकियट्रिस्ट थे, जिस जहाँ से मैंने मैटर लिया उसमें ये दिखा रहा है कि ही इज स्टिल अलाइव, तो आई डोंट, इसीलिए इनका जन्म का मृत्यु का ईयर नहीं दे रखा है, इज एन अमेरिकन साइकियट्रिस्ट हु पाइनियर्ड द यूज ऑफ CBT टू ट्रीट डिप्रेशन. CBT क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. आप जब भी मेंटल हेल्थ पढ़ेंगे तो आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का उसमें जिक्र मिलता है. तो ये इनके द्वारा प्रतिपादित की गई, और ये कहा गया कि डिप्रेशन में अगर आप हैं तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से क्योर किए जा सकते हैं. तो ये सब तो पुरानी बातें रही, और हम बात करें फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव की, तो नया क्या है. नया ये है कि अब पॉजिटिव मेंटल हेल्थ पे बात होने लगी है, जबकि पहले हम सिर्फ डिप्रेशन, स्टिग्मा, एंग्जाइटी और उसकी खामियों की बात करते थे. तो इसीलिए WHO ने जो डेफिनेशन दी है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, और एवरी एस्पेक्ट को अपने अंदर कवर किए हुए है. क्या है कि मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच द इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन एबिलिटीज, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, एंड इज एबल टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी. आप इस डेफिनेशन को एक बार, दो बार, चार बार पढ़िए तो आपको समझ में आता है कि कोई भी एस्पेक्ट हमारे बेहतर जीवन का इससे छूटा नहीं है, यानी कि मेंटल हेल्थ सबको अपने आप में समाहित किए हुए है. और क्या हमारे एडवांसमेंट्स हुए साइकोलॉजी में, कि हम अब कहते हैं कि देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, यानी कि अब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं. इवेंचुअली मेंटल हेल्थ हैज लॉस्ट इट्स स्टिग्मा, जो स्टिग्मा इसके संग जुड़ा हुआ था, जो डिस्क्रिमिनेशन था इससे जुड़ा हुआ, वो अब खत्म हो गया है. एंड नाउ इट इज ऑल राइट टू टॉक अबाउट मेंटल इशूज, और अब सही है कि अगर हम मेंटल इशूज के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं हमको साइकियाट्रिस्ट से मिलना है, तो आपको हेय दृष्टि से नहीं देखा जाएगा. एंड और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि मेंटल इलनेसेस कैन बी क्योर्ड. अगर मेंटल इलनेसेस क्योर की जा सकती हैं तो आप जाके साइकियाट्रिस्ट से मिल सकते हैं, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो तो कंक्लूजन हमने क्या लिया कि हमारा तो साइकोलॉजी था ही एक ऐसा विषय जो कि
टीचिंग लर्निंग को जिसने बेहतर बनाया। ये भी कहा जाता है कि वो टीचर, वो बंदा अच्छा टीचर बन ही नहीं सकता जो साइकोलॉजी नहीं जानता हो। तो साइकोलॉजी हैड चेंज्ड द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन एंड गिव्स न्यू मीनिंग टू लर्निंग इन द क्लासरूम, है ना। इसमें किसी, हर किसी को इससे सहमत होगा। फिर साइकोलॉजी गिव्स एजुकेशन द थियरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमको इंडिविजुअल डिफरेंस की थियरी दी साइकोलॉजी ने, जिससे हम ये जान पाए कि हर बच्चा जो है उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो डिफरेंट है और वो डिफरेंट पेस से सीखता है। और जो हमारे भावी शिक्षक हैं, जो बनने वाले हैं, उनको ज़रूर 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 साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, जिससे वो ये जान सकें कि लर्निंग क्या, और वो खुद एक बेहतर लर्नर बन सकें और हमेशा सीखने वाले इंक्विजिटिव लर्नर बन सकें, उनके पास थर्स्ट फॉर नॉलेज हो, ताकि वो ये माने कि लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, डेवलपमेंट जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और वो अपना और अपने स्टूडेंट्स का विकास कर सकें, उनको बेहतर बना सकें। ओके, तो आज हमने कुछ नया जानने की कोशिश की, जिसमें हमने जाना पॉजिटिव साइकोलॉजी, सब्जेक्टिव वेलबींग, पर्सनालिटी न्यूरोसाइंस, फिर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, देन न्यूरोसाइंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड एडवांसमेंट्स इन मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव। सो आई होप, मुझे आशा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा ये कुछ नया जानकर, और आप इसी तरह से कुछ कुछ नया जानने के लिए प्रयासरत रहेंगे। सो Done from my side. Okay.